इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे, बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है बिना इसके। कुछ नहीं आ रहा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला एक ज़रा सा फॉल्ट, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करते हैं, एक बोतल होती है, उस बोतल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं। तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर उसको लगाओ। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं हाँ एक मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको ये करा के क्या करूँ मैं। नमस्कार आदाब, मैं हूं आमिर सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। जाने माने यूट्यूबर राहुल वोहरा का हाल ही में कोविड 19 के चलते निधन हो गया। अगर उन्हें बेहतर इलाज मिल पाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। शनिवार 8 मई को उनका निधन हो गया, मगर कोरोना से हो रही तमाम मौतों के बीच राहुल की मौत इसलिए भी झकझोर देती है क्योंकि उन्होंने अपने निधन से पहले जो कुछ सोशल मीडिया पर लिखा उसे पढ़कर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। राहुल वोहरा ने फेसबुक पर शनिवार दोपहर 12:38 पर आखिरी पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में राहुल लिखते हैं, मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता। तुम्हारा राहुल वोहरा। नाम राहुल वोहरा, उम्र 35 वर्ष, अस्पताल का नाम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ताहिरपुर दिल्ली, बेड संख्या 6554, सिक्स्थ फ्लोर, बी विंग, HDU। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को टैग करके आगे लिखा, जल्द जन्म लूंगा और अच्छा काम करूंगा, अब हिम्मत हार चुका हूं। राहुल के पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट भी किया, लेकिन तब तक राहुल जिंदगी की जंग हार चुके थे। अब ज़रा सोचिए उस युवा का मन उस वक्त किस परिस्थिति से गुजरा होगा जब उसे मौत का आभास हुआ होगा। राहुल वोहरा जैसे लाखों लोगों ने अपनी जान इलाज के अभाव में गंवा दी। डॉक्टर्स की ओर से हर संभव इलाज की बात कही गई, बाद में उन्हें दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भी शिफ्ट कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मगर मरने से पहले लिखी गई राहुल की आखिरी पोस्ट सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले हाकिम और हुक्मरानों से सवाल पूछती है कि क्या यही है डिजिटल इंडिया। दोस्तों, आपके इस वीडियो को लेकर क्या राय है और राहुल वोहरा की मौत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आदाब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।